अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, एक आध दिन पेट साफ नहीं होता तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका रोज रोज पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या अपना डेली रूटीन किस तरीके का आपका होना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको हमेशा ही कब्ज रहती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। देखिए, जब किसी को कब्ज होती है एक दो दिन के लिए वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमेशा ही कब्ज रहती है तो आपको पता है कि उस इंसान की हालत कैसी हो जाती है। मोटापा तो बढ़ना ही लगता है, पेट बढ़ जाता है, लेकिन वैसे भी वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, तरह तरह की चूर्ण दवाइयां पता नहीं क्या क्या ट्राई करने लगता है, लेकिन उसके बावजूद वो इंसान इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उससे ज्यादा परेशान मानो इस दुनिया में कोई ना हो। उसको ऐसा लगता है जिस दिन उसका पेट साफ हो जाता है कि पता नहीं आज कितनी खुशी उसको मिल गई हो। लेकिन फ्रेंड्स, सही तरीके से नेचुरल तरीके से क्या आपको करना चाहिए जिससे आपको रोज रोज चूर्ण खाने की जरूरत ना हो। कुछ सालों पहले मेरी भी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि पेट साफ नहीं होता था, लगातार बहुत दिनों तक पेट साफ नहीं होता है तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है, फिर क्या करता है कि चूर्ण खाने लगता है। तो मैं भी जैसे चूर्ण खाने लग गई थी, एक दिन चूर्ण खा लिया तो चलो ठीक है, अगले दिन थोड़ा पेट साफ हो गया, लेकिन जिस दिन चूर्ण नहीं खाया तो उस दिन बिल्कुल साफ नहीं होगा, मतलब पूरा दिन परेशान रहना पड़ेगा। तो ऐसी ही हालत मेरी भी हो चुकी थी, मतलब कुछ भी खाने की कि अच्छा है मैं हाजमोला की गोलियां खा लूं, चूर्ण खा लूं, मेरा पेट साफ हो जाए, वो आदत हो चुकी थी मुझे। अब जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता उनकी ऐसी आदत हो जाती कि किसी ने उनको चूर्ण बता दिया तो वही चूर्ण वो खाने लग जाएंगे कि अच्छा ठीक है मैं ये चूर्ण खाना शुरू कर देता हूँ, इससे आराम हो जाएगा। लेकिन ये आदत बहुत ही गलत होती है, और जब मैंने अपनी गलती को समझा तो मैंने तुरंत वो आदत छोड़ दी, तुरंत छोड़ दी, चाहे मेरा पेट साफ हो रहा था या नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने पूरी तरीके से समझा कि जो लत मुझे लग गई है वो ही लत गलत है और वो ही हमें खराब चीजों की तरफ ले जा रही है, यानी कि उससे हमारी हालत सुधरेगी नहीं और ज्यादा बिगड़ेगी। क्योंकि पेट साफ करने के लिए आप कुछ भी अगर बार बार लेते हैं, दवाइयां खाते हैं, मतलब रोज रोज आप कर रहे हैं, तो उससे आपकी आंतें कमजोर हो जाती है, और आंतें जब कमजोर हो जाएगी फिर वो अपने आप काम करना बंद कर देगी और वो चीज आपको बार बार लेनी पड़ेगी जो चीज आपने शुरू करी है पेट साफ करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल वो चीजें छोड़नी होंगी जो आप लगातार लेते हैं अपना पेट साफ करने के लिए। जैसे बहुत से लोग त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करते हैं, त्रिफला चूर्ण बहुत अच्छा है, आप सुबह उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसको अपना नियम ना बनाएं। कुछ लोग कहते हैं आंवला भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आंवले को आप नेचुरल तरीके से लेते हैं, जैसे कि फ्रेश आंवला आप घर में लेकर उसका सेवन करें, आप जैसे सैलड के रूप में खा सकते हैं, उसका अचार बना सकते हैं, इस तरीके से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उसका जूस निकाल के आप पी ले, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, आंवला भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ ही मतलब आप अपना खाने पीने का रूटीन चेंज करें, सबसे पहले तो खाए पिए अच्छे से चबा चबा कर खाना खाएं, पानी की मात्रा बढ़ाएं। और दूसरी चीज ये है कि जब भी आपका अगर लगे कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो खाने पीने पर ज्यादा ध्यान ना दें, ये ना सोचे कि नहीं ये खाने का टाइम हो रहा है तो चलो मैं खाना तो मुझे खाना ही है, ये ना समझे। आप सबसे पहले अगर आज सुबह आपका पेट साफ नहीं हुआ तो पानी पिए, बार बार पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, यानी जैसे एक घंटे में आपने एक गिलास पिया, फिर उसके एक घंटे बाद आप एक गिलास और पिए, एक घंटे बाद आप एक गिलास और पिए, जब तक आपको पूरी तरीके से भूख का एहसास ना हो तब तक कुछ भी ना खाए। अगर भूख लग रही है तो थोड़ा बहुत हल्का खाना खा लें, चाय कॉफी कम से कम लें, और इसके साथ ही अगर भूख नहीं लग रही है तो तब तक कुछ ना खाए। और अगर आप ऐसा लगातार करेंगे, पानी पीते रहेंगे, तो कुछ घंटों बाद यानी 4-5 घंटे लगे लेकिन नेचुरल तरीके से आपका पेट साफ हो जाएगा, या फिर अगले दिन तो हो ही जाएगा। अगर आप इस नेचुरल टेक्निक का यूज करते हैं, पानी ज्यादा पीते और खाना कम करते हैं, तो इस तरीके से अपने आप को आदत डालें तो आपका पेट आप देखेंगे धीरे धीरे करके रोज आपका साफ होना शुरू हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठकर या शाम के समय भी कर सकते हैं, जिससे आपकी आंतें अगर कमजोर हो गई है तो वो स्ट्रोंग बनेंगी, और वो अपना जो काम है उनका, यानी उनका काम है प्रेशर देना, जो हमारा मल इकट्ठा हो जाता है उसको प्रेशर के साथ बाहर निकालना, तो वो अपना काम सुचारू रूप से करने लग जाएंगी। तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज आपको डेली करनी चाहिए, दिन में 2 बार तो जरूर करनी चाहिए। तो जब आप सुबह उठे, सुबह उठते ही आपने क्या करना है, थोड़ा सा गर्म पानी करना है और इस पोजीशन में बैठ जाना है। अगर आप इस पोजीशन में जमीन के ऊपर नहीं बैठ सकते तो जहां आप बेड है आपका बेड के ऊपर ही बैठ जाइए, और नीचे अपने बटक के नीचे आप तकिया रख सकते हैं, यानी तकिए के ऊपर प्रेशर दे के बैठ सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन में बैठ जाए। इस पोजीशन में आप पानी पियेंगे,
घुटनों को आप मिला के बैठेंगे और इस पोजीशन में आपने पानी पीना है। अब पानी पीने के बाद आपने क्या करना है, पोजीशन थोड़ी सी चेंज करनी है, यानी कि ये हम एक तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे जो हमारे पेट की आते ठीक ठाक हो सके, अपना काम ठीक तरीके से कर सके। तो टांगों को ऐसे खोल लेंगे, पूरा जितना आप खोल सकते हैं खोल लेंगे, और इस तरीके से हाथ जोड़ने हैं, और आपकी कोहनियाँ इतनी साइज में होनी चाहिए और उसके बाहर आपके घुटने होने चाहिए, यानी घुटनों के अंदर आपकी कोहनियाँ होनी चाहिए दोनों। और इस पोजीशन में जितना भी आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं उतना बैठें। नॉर्मल सांसें भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहे मुंह से आपको सांस बाहर निकालनी है तो मुंह से भी निकाल सकते हैं, नाक से लेनी है। देखिए इस पोजीशन में हम होल्ड करके रखेंगे, जैसे जैसे ये क्रिया आप रोज करेंगे, दिन में दो बार करते हैं, एक शाम के समय करते हैं खाना खाने से पहले, और अच्छे से पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, जब आप ये क्रिया करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे असर हो रहा है। पहले दो चार दिन तो आपकी गैस रिलीज होंगी, अगर गैस इकट्ठा हो रही है अंदर तो वो रिलीज करेंगे, और धीरे धीरे आपका प्रेशर जो है वो दोबारा से बनने लग जाएगा, क्योंकि लोगों का प्रेशर आना बंद हो जाता है। अगर आप चूर्ण वगैरह लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं तो प्रेशर बनता है, वरना नहीं बनता। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे आप दो चार दिन कंटिन्यू करेंगे ये चीज़ें दो टाइम, और पानी अच्छे से पियेंगे, तो आपका जो प्रेशर था वो फिर से आपको लगने लगेगा कि नहीं आप मुझे प्रेशर लग रहा है तो मुझे जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप बैठे, और जैसे आपको प्रेशर फील हो तो आप टॉयलेट में जा सकते हैं। अगर प्रेशर नहीं भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, जितना आप होल्ड कर सकते हैं, एक बार दो बार उतना होल्ड करके रखिए। कमर को आपको बिल्कुल सीधा ही रखना है इस तरीके से। अब ये तो हो गई एक टेक्निक, अब दूसरी टेक्निक भी बता देती हूँ। अब कुछ लोगों के घुटने दर्द करने लगते हैं, उनसे नहीं बैठा जाता है, तो दूसरी टेक्निक ये है कि अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा, पेट बहुत भरा भरा लग रहा है, आपको गैस भी बन रही है, लेकिन आप चाहते हो कि थोड़ा तो साफ हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके से बैठ जाए। आप चाहे तो यहाँ पे तकिया भी रख सकते हैं, और पंजे जो है बाहर की तरफ निकाल लें, और एडी के ऊपर अपने हिप्स रख लें, और इस तरीके से ज़्यादा हाथों को फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है जिसमें आपको डिस्कम्फर्ट ना लगे, और इस तरीके से थोड़ा ऐसे बैठ रहे हैं। ऐसे भी बैठ सकते हैं, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो इस पोजीशन में बैठ सकते हैं, आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे रख के पढ़ सकते हैं, इस तरीके से कुछ देर तक मतलब नॉर्मल ऐसे बैठ रहे हैं। तो अगर आप ऐसे, कुछ लोगों की तो मतलब गैस रिलीज हो जाएंगी, गैस बन रही है तो गैस रिलीज होंगी, पेट हल्का होगा। मेरे साथ तो ऐसा भी होता था कि अगर मुझे कब्ज है दो तीन दिन से तो एकदम से मुझे प्रेशर आ जाता था, तो कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि उनका प्रेशर आ जाएगा, मतलब कुछ तो पेट साफ होगा। तो ये इस पोजिशन में भी मतलब लोगों का पेट साफ होता है, पेट को आराम मिलता है, कहने का मतलब ये है। तो ऐसा भी आप होल्ड कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि पेट भरा हुआ सा है तो इस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं कुछ देर। तो फ्रेंड्स ये कुछ टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई है, और इनसे पेट को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, क्योंकि ये सीधा इफेक्ट हमारी आंतों के ऊपर डालती है। तो ये नेचुरल तरीका है जिससे आप अपने पेट को साफ कर सकते हैं। तो आप तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, उससे बॉडी को नुकसान पहुँचता है, तो उससे आप बच सकते हैं अगर ये नेचुरल जो टेक्निक है उनको आप अपनाते हैं, और आपकी बॉडी पहले की तरह बिल्कुल फिट हो जाएगी, रोज आपका पेट साफ होगा। अगर आप ये नेचुरल टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और अपना जो खाने पीने की आदतें हैं उनको भी सुधारते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पानी पीने लग जाए, खाना पीना छोड़ दें, मतलब सभी चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। अगर जिस दिन पेट साफ नहीं हो रहा तो उस दिन लिक्विड जो है आपकी फूड में ज़्यादा होना चाहिए, लिक्विड की मात्रा आप ज़्यादा रखें तो पेट आराम से साफ हो जाएगा। आज इतना ही, वीडियो अगर आपको पसंद
पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।